दीपक कोचर और वेणुगोपाल धूत कारोबारी दुनिया के दो दिग्गज और दोनों ही दोस्त, इतने गहरे दोस्त कि दोनों की कारोबारी दोस्ती ने इन दोनों को ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया कि दीपक कोचर, उनकी पत्नी चंदा कोचर और वेणुगोपाल धूत तीनों ही अब जेल में हैं। और इसकी जड़ में है 3,250 करोड़ रुपए का एक घोटाला जो सिर्फ इसलिए अंजाम तक पहुंच पाया क्योंकि दोनों दोस्तों में से एक दोस्त, दीपक कोचर की पत्नी, एक बहुत ही बड़े बैंक में बहुत बड़ी अधिकारी थी। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। आज बात ICICI बैंक और वीडियोकॉन घोटाले की। दीपक कोचर बड़े कारोबारी हैं, एनर्जी सेक्टर में काम करते हैं। उनकी कंपनी का नाम है पिनाकल एनर्जी ट्रस्ट। उनके एक दोस्त नाम है वेणुगोपाल धूत, वो उनसे भी बड़े कारोबारी हैं। वीडियोकॉन कंपनी के मालिक हैं, उसी वीडियोकॉन के जो टीवी, फ्रिज जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाती रही है। लेकिन वो भी एनर्जी सेक्टर की एक और कंपनी चलाते हैं, उसका नाम था सुप्रीम एनर्जी। तो दोनों दोस्तों ने साल 2008 में तय किया कि अब एनर्जी सेक्टर में साथ में काम करेंगे मिलकर। और फिर दोनों ने मिलकर 2008 के आखिरी महीने दिसंबर में एक नई कंपनी बना ली, नाम रखा न्यू पावर रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड। दोनों की पार्टनरशिप हुई 50-50 की, यानी कि आधा हिस्सा दीपक कोचर और उनके परिवार का, बाकी का आधा हिस्सा वेणुगोपाल धूत और उनके लोगों का। लेकिन एक महीने के अंदर ही वेणुगोपाल धूत अपनी पूरी हिस्सेदारी दीपक कोचर को बेच देते हैं, यानी कि दिसंबर 2008 में जो कंपनी दीपक कोचर और वेणुगोपाल धूत की 50-50 पार्टनरशिप के साथ शुरू होती है, जनवरी 2009 में दीपक कोचर उस कंपनी के 100% के मालिक बन जाते हैं। इसके बाद दीपक कोचर को कुछ पैसों की जरूरत होती है और ये रकम है करीब 64 करोड़। तब दीपक कोचर को वेणुगोपाल धूत वो 64 करोड़ रुपए लोन के तौर पर देते हैं, लेकिन वो खुद अपनी जेब से पैसे नहीं देते, बल्कि दीपक कोचर को वो पैसे वेणुगोपाल धूत की एनर्जी वाली कंपनी सुप्रीम एनर्जी देती है, जिसने बैंक से 300 करोड़ रुपए का लोन लिया है। और बदले में दीपक कोचर वेणुगोपाल धूत को अपनी नई कंपनी न्यू पावर रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड में हिस्सेदारी बेच देते हैं। ये वही कंपनी है जहां वेणुगोपाल धूत 50% के हिस्सेदार थे, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी हिस्सेदारी दीपक कोचर को बेच दी थी। अब दीपक कोचर ने पैसे उधार लिए तो वेणुगोपाल फिर से कंपनी के हिस्सेदार बन गए। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद दीपक कोचर ने अपना और भी जो बचा हुआ हिस्सा था वेणुगोपाल धूत को बेच दिया। दिसंबर 2008 में न्यू पावर रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड बनने के दौरान जो हिस्सा दीपक कोचर के पास था, उसमें उनके पिता की कंपनी पैसिफिक कैपिटल और उनकी पत्नी चंदा कोचर के भाई महेश आडवाणी की पत्नी का भी शेयर था। तो जब दीपक कोचर ने 64 करोड़ का लोन वेणुगोपाल धूत से लिया और अपनी हिस्सेदारी वेणुगोपाल धूत को बेची, तो साथ ही साथ अपने पिता की कंपनी पैसिफिक कैपिटल और पत्नी चंदा कोचर के भाई महेश आडवाणी की पत्नी के शेयर भी बेच दिए। कुल मिलाकर हुआ ये कि दिसंबर 2008 में जो कंपनी यानी कि न्यू पावर रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड दीपक कोचर और वेणुगोपाल धूत ने मिलकर 50-50 पार्टनरशिप में बनाई थी, और जनवरी 2009 में जो कंपनी पूरी तरह से दीपक कोचर की हो गई थी, वही कंपनी मार्च 2010 तक फिर वेणुगोपाल धूत की अपनी कंपनी सुप्रीम एनर्जी के पास आ गई, और तब वेणुगोपाल धूत की कंपनी सुप्रीम एनर्जी के पास ही न्यू पावर रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड के 94.99% शेयर आ गए। यहां तक तो कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि कौन कब कंपनी बनाए, कब बेचे, किसे बेचे, कितनी हिस्सेदारी बेचे, इससे हमको आपको क्या लेना देना, सरकार को भी कोई लेना देना नहीं, तो यहां तक गड़बड़ नहीं है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर हुआ ये कि वेणुगोपाल धूत की कंपनी सुप्रीम एनर्जी ने न्यू पावर रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड की अपनी पूरी हिस्सेदारी यानी कि न्यू पावर रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड के 94.99% शेयर अपने एक और सहयोगी महेशचंद्र पुगलिया को बेच दिए। और एक साल के बाद ही सितंबर 2012 से अप्रैल 2013 के बीच महेश पुगलिया ने न्यू पावर रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड के सारे शेयर पिनाकल एनर्जी ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दिए, और वो भी महज 9 लाख रुपए। अब थोड़ी शुरुआती लाइन पर गौर फरमाइएगा, जिसमें मैंने बताया था कि पिनाकल एनर्जी ट्रस्ट के मालिक हैं दीपक कोचर। तो हुआ क्या, शायद आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो संक्षेप में फिर से समझ लेते हैं। दीपक कोचर और वेणुगोपाल धूत दोनों की अपनी अपनी कंपनियां हैं, दोनों ने मिलकर एक नई तीसरी कंपनी बनाई जिसमें दोनों 50-50% के साझेदार हैं। फिर वेणुगोपाल धूत अपना हिस्सा दीपक को बेच देते हैं, फिर वेणुगोपाल धूत दीपक कोचर को 64 करोड़ का लोन देते हैं और बदले में कंपनी में हिस्सेदारी लेते हैं, फिर दीपक कोचर पूरी कंपनी वेणुगोपाल को दे देते हैं, वेणुगोपाल कंपनी को महेशचंद्र पुगलिया को बेच देते हैं, और फिर महेशचंद्र पुगलिया 9 लाख रुपए में ये कंपनी
दीपक कोचर की कंपनी पिनेकल एनर्जी को बेच देते हैं। तो समझ आया कि गड़बड़ क्या हुई। गड़बड़ यह हुई कि दीपक कोचर ने 64 करोड़ का लोन लिया था, लेकिन उन्हें पूरी कंपनी हासिल करने के लिए महज 9 लाख रुपए ही देने पड़े। लेकिन फिर आप कहेंगे कि ये दोनों लोग जाने कि कितना लोन लिया, कितना दिया, कितने में कंपनी खरीदी, कितने में बेची, हमको आपको इससे क्या मतलब। और अगर आप कहेंगे तो बिल्कुल ठीक कहेंगे कि हमसे आपसे क्या मतलब, लेकिन मतलब तो है ना। और वो ये है कि आखिर वेणुगोपाल धूत ने दीपक को 64 करोड़ का लोन भी दिया, पूरी कंपनी भी दे दी और उसे मिले महज 9 लाख रुपए। ऐसी भी क्या दोस्ती भाई कि 9 लाख रुपए में 64 करोड़ का लोन भी दिया और कंपनी भी दे दी। इसका जवाब है लोन, और वो भी 3250 करोड़ रुपए का। वेणुगोपाल धूत को साल 2012 में पैसे की जरूरत पड़ती है और वो जाते हैं ICICI बैंक के पास कि उन्हें 3250 करोड़ रुपए के लोन की जरूरत है। अब अप्रैल 2012 में ये लोन उन्हें मिल भी जाता है और इस लोन के पैसे से वीडियोकॉन कंपनी अपने 6 अकाउंट के बकाया करीब 1730 करोड़ रुपए एडजस्ट कर लेती है। लेकिन वेणुगोपाल धूत को 3250 करोड़ रुपए का जो लोन दिलाता है उसका नाम इंटरेस्टिंग है। वो नाम है चंदा कोचर का, वेणुगोपाल धूत के दोस्त दीपक कोचर की पत्नी और ICICI बैंक के CEO और MD। जो बोर्ड वेणुगोपाल धूत का लोन पास करता है, चंदा कोचर उसकी मेंबर है और इस लोन के मिलने के 6 महीने के अंदर ही वेणुगोपाल धूत वाया महेशन पुगलिया साल 2013 में 9 लाख रुपए में दोनों कंपनियां दीपक कोचर की कंपनी के नाम करते हैं। लेकिन ये भी तो कोई घोटाला नहीं है, लोन ही तो मिला है, फिर क्या गड़बड़ है। जवाब है कुछ नहीं, अभी तक कोई गड़बड़ ही नहीं है। वेणुगोपाल धूत को 3250 करोड़ का लोन मिला है और उन्हें किस्तें चुकानी है, तो वो किस्तें चुका रहे हैं। लेकिन 2017 में वेणुगोपाल धूत ने किस्तें चुकानी बंद कर दी, कहा कि अब उनके पास पैसे ही नहीं है, उनकी कंपनी दिवालिया हो चुकी है, लिहाजा उनके लोन को NPA घोषित कर दिया जाए। और बैंक वेणुगोपाल धूत की बात मान लेता है, कोई जांच परख नहीं होती, वेणुगोपाल धूत की कुंडली भी नहीं खंगाली जाती, उनकी कंपनियों का खाता बही भी नहीं देखा जाता, बस लोन को NPA कर दिया जाता है। और उस वक्त तक वेणुगोपाल धूत को चुकाने होते हैं 2810 करोड़ रुपए। मामला खुलता तब है जब ICICI बैंक और वीडियोकॉन के शेयर होल्डर रहे अरविंद गुप्ता प्रधानमंत्री मोदी, रिजर्व बैंक और SEBI को साल 2016 में पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि वेणुगोपाल धूत और चंदा कोचर दोनों ने अपने अपने पद का दुरुपयोग करके एक दूसरे को फायदा पहुंचाया है। लेकिन उस पत्र पर कोई ध्यान नहीं देता। मार्च 2018 में एक विसिल ब्लोवर आवाज उठाता है तो मामला खुलता है, CBI इसकी जांच में जुटती है और तब ICICI बैंक कहता है कि चंदा कोचर की कोई गलती ही नहीं है। लेकिन अक्टूबर 2018 में चंदा कोचर को ICICI बैंक के CEO पद से इस्तीफा देना पड़ता है। 24 जनवरी 2019 को CBI इस मामले में केस दर्ज करती है। जस्टिस BN कृष्णा समिति की एक रिपोर्ट कहती है कि वेणुगोपाल धूत को जो लोन मिला है उसका बड़ा हिस्सा वेणुगोपाल धूत ने दीपक कोचर की कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है। जब इतना घालमेल होता है तो ED की भी एंट्री होती है और फिर पहली गिरफ्तारी होती है दीपक कोचर के भाई राजीव कोचर। उसके बाद दीपक कोचर भी गिरफ्तार होते हैं, फिर चंदा कोचर भी गिरफ्तार होती है और फिर वेणुगोपाल धूत की भी गिरफ्तारी होती है। तो ये है वो पूरी कहानी उस घोटाले की जिसे दोस्ती के नाम पर अंजाम दिया गया और बैंक को 2810 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया। अब मामला अदालत में है तो कोर्ट को ही तय करना है कि इनकी सजा क्या है। मुझे दीजिए इजाज़त, आप देख रहे थे अनकट। शुक्रिया।